अगर आप भी कमर दर्द, घुटनों के दर्द, हड्डियों के दर्द, एड़ियों के दर्द, जॉइंट्स पेन से परेशान हैं, सुबह उठते हैं तो घुटने सीधे नहीं होते, पैर जमीन पर रखो तो एड़ियों में चुभन जैसी लगती है, या फिर सुबह टांगे सीधी नहीं होती, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा दर्द निवारक मसाज तेल जो आपको इन सारे दर्दों से आराम देगा, आपके दर्द को जड़ से खींच लेगा। घर की चीजों से ही मैं आपको आज बताऊंगी एक ऐसा नुस्खा जो आपने कहीं नहीं सुना होगा। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी इसे ऐसे ही बनाया करते थे। ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। इसे आप एक बार बनाकर रख लीजिए और महीने भर तक यूज कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस जादुई तेल को बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है सरसों का तेल। ये सरसों का तेल गर्माहट देता है, गर्म होता है, तो इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप या तो सरसों का तेल लें या फिर आप लीजिए तिल का तेल, और कोई भी तेल आपको नहीं लेना है। मैंने एक कप तेल लिया है। अब सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और फ्लेम को कर देंगे लो, और कढ़ाई में डाल देंगे ये सरसों का तेल। कढ़ाई में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, वरना ये चटकेगा। जब थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, ये आपके दर्द को जड़ से खींच लेता है। अब दूसरी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 इंच के बराबर अदरक, जिसे मैंने बारीक टुकड़ों के रूप में काट लिया है। अब देखिए इसमें काफ़ी झाग आ रहा है। यहाँ पर फ्लेम आपको एकदम लो रखना है। जब सारी चीज़ें धीरे धीरे तेल में पकेंगी तभी इनका अंश तेल में आएगा। तेज आँच पर सारी चीज़ें जल जाएंगी और हमें इसे जलाना नहीं है, धीरे धीरे धीमी आँच पर इसे पकाना है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना। ये मेथी दाना भी दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मेथी दाना को भी पकने देंगे। अब जो अगली चीज़ इसमें जाएगी वो है दालचीनी। दालचीनी भी काफ़ी गर्म होती है, इसे भी धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं इसमें जो डाल रही हूँ वह है अजवाइन। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच अजवाइन ली है। इसे अक्सर हम यूज़ करते हैं खांसी और जुकाम में, लेकिन ये दर्द के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होती है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल धीमी आँच पर इसे पकाना है। अगर गैस तेज होगी तो सारी चीज़ें जल जाएंगी और इसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। अगली चीज़ है लौंग। ये मैंने 10-12 लौंग ली हैं। आपने देखा होगा कि लौंग का तेल भी मार्केट में आता है। ये हमारे दांत दर्द में बहुत ही जल्द आराम देता है, और इसे हम खांसी जुकाम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही जल्द इससे आराम मिल जाता है। ये भी हमारे दर्द को खींच लेती है, क्योंकि बहुत गर्म होती है। ये तेल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सब लोग इसे बनाना नहीं जानते तो सोचते हैं इसे कैसे बनाया जाए। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस धीरे धीरे स्लो गैस पर इसे पकने दीजिए। कढ़ाई या पैन वही यूज़ कीजिए जो जले नहीं। अब सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, ब्राउन हो चुकी हैं, तो गैस को कर देंगे ऑफ, और सारी चीज़ें इसमें ऐसे ही हमें पड़े रहने देना है जब तक कि तेल अच्छे से ठंडा ना हो जाए। जब सारी चीज़ इसमें तेल में ठंडी होने तक पड़ी रहेंगी तो हमने जो इसमें सारी चीज़ें डाली हैं वो अपना असर छोड़ेंगी, और जब आप इस तेल की मालिश करेंगे तो आपके घुटने, जॉइंट्स ऐसे खुलने लग जाएंगे जैसे आपने कोई जादुई दवा खा ली है। ठंडा होने के बाद एक छलनी से इसे छान लेंगे। तो यहाँ पर हमारा तेल तैयार है। वीडियो को आप स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगी इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका। अगर सही से आप इसका यूज़ नहीं करेंगे तो आपके बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसे यूज़ करने के लिए पहले आप सिकाई कर लीजिए, जहाँ पर आपको दर्द है। कंधे में है, घुटने में है, एड़ी में है, जोड़ों में है, जहाँ भी दर्द हो पहले आपको करनी है सिकाई, और फिर आपको ये तेल लगा कर मसाज करना है। जब सिकाई करके आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ऑलरेडी आपकी बॉडी वहाँ से गर्म होगी, और जब आप इस तेल को लगाएंगे और मसाज करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
और मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन वहां पर बढ़ जाएगा और तेल जो है वो आपकी बॉडी में अंदर तक जाएगा और अपना असर दिखाएगा। घुटने में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, कंधों में, कभी कभी उंगलियों के जॉइंट्स में भी दर्द होने लगता है या गर्दन में भी होने लगता है, सूजन आ जाती है पूरी बॉडी में, जहां पर आपको दर्द है ये तेल आप लगा लीजिए। ये दर्द को पूरी तरह से खींच लेगा। आप इसे दिन में 2 बार लगा सकते हैं और लगाने के बाद आपको उस जगह को खुला नहीं छोड़ना है। किसी भी कपड़े से उस हिस्से को लपेट लें या ढक लें जिसे सीधे वह हवा के संपर्क में ना आए और आपको अच्छा रिजल्ट मिले। मान लीजिए अगर आप इसे रात में लगा रहे हैं और आपने इसे घुटने पर लगाया है तो घुटने पर एक कपड़ा लपेट लीजिए फिर सो जाइए, जिससे गर्माहट बनी रहे और ये तेल बॉडी के अंदर तक जाकर अपना असर दिखाए। तो इस तरीके से आप इसे यूज करें, आपको निश्चित ही बहुत आराम मिलेगा। इसे आप बनाकर महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होगा और इसका यूज कोई भी कर सकता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद तेल है। इसे आप बना कर रखिए, आपके बहुत काम आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। बाय।